फिल्म देखने से हमको घृणा लगती है और लगता है कि बॉलीवुड में गंदगी का भरमार है और सुशांत सिंह राजपूत उसी गंदगी का शिकार हुआ है और उसके साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो या जो भी हो, तो अगर नेपोटिज्म ही है तो नेपोटिज्म में अगर किसी दूसरे का अहित नहीं होता है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर नेपोटिज्म के चक्कर में किसी का अहित करके नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो वह निश्चित रूप से एक दंडनीय अपराध है और इस मामला में सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही हुआ है। और यह उसकी आत्महत्या हो या हत्या, मैं तो कहूँगा कि वह नेपोटिज्म का शिकार हुआ है और उसकी हत्या हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HS बिहार, मैं हूँ आदेश पुरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे बिहार को हिला दिया है और खासकर युवाओं को हिला दिया है, क्योंकि ये आत्महत्या जो है वो उनके प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही झटका वाला चीज़ साबित हुआ। और आखिर क्या परिस्थितियाँ बनी कि उन्हें अपना आत्महत्या करना पड़ा और क्यों आत्महत्या लोग करते हैं, इन सभी मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि जैसा कि बताया जा, अगर ये आत्महत्या है तो कैसे गलत है और हत्या है तो भी कैसे गलत है, जरा आप बता देखिए। यार एक बात स्पष्ट रूप से एक साइकोलॉजिकल थीम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इह लीला को समाप्त यूं ही नहीं करता जब तक उस पर कोई बहुत भारी मानसिक आघात न पहुंचा हो। तब तक कोई व्यक्ति जो उभरता हुआ सितारा हो, और हाल ही 34 वर्ष का बच्चा है, और 34 वर्ष का बच्चा एक उभरता हुआ सितारा जिसने महेंद्र सिंह धोनी पर एक की बायोपिक बनाई जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई, बहुत सारी फिल्में उनकी हुई और मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ, चूँकि बायोपिक मेरी भी बननी है तो मैं गया था वहाँ मुंबई में, तो व्यक्तिगत रूप से मिला भी था। तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर आत्महत्या किया गया है, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर आत्महत्या किया गया है तो निश्चित रूप से उसको आत्महत्या करवाने पर कोई ना कोई मिशनरी उसको बाध्य की होगी। और उसकी आत्महत्या को मैं आत्महत्या नहीं मानता, क्योंकि आत्महत्या करने वाले निश्चित रूप से वैसे लोग होते हैं जिनका झोली बिल्कुल खाली होता है, और सुशांत सिंह राजपूत का झोली खाली था नहीं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टर था और निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत ही, शत्रुघ्न सिन्हा के पश्चात अगर किसी का नाम लिया जाए तो बिहार का अगर एक अद्भुत लाल कहा जाए तो वो सुशांत सिंह राजपूत था। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हमको हत्या से कम नहीं लग रही है, कि जरूर उस पर किसी न किसी दबाव है। और एक बात मैं आपको आप बता दूं कि ये आत्महत्या ही है, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही किया है तो आपको मैं बता दूं कि बॉलीवुड की ये नंगापन का इससे उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक छोटे से शहर से एक बच्चा गया हो और उस बच्चा जब हिट कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो उसको आप इतना बाध्य कर दें कि वो आत्महत्या कर ले, अगर आत्महत्या है तब। अनि तो दूसरी बात, अगर आत्महत्या नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, ये तो कोर्ट का और CBI का और आपको काम है कि वो जांच करके बताए कि जितने भी उंगलियां उठ रही हैं उस उंगली पर जरूर नज़र उठानी चाहिए और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को अगर आप देखिएगा, उनकी डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी का क्लोजअप करके जब दिखाया गया था तो जो आत्महत्या करता आदमी तो रस्सी का फंदा जहाँ लटकता है वहाँ से बिल्कुल अलग था। तो अगर ये हत्या भी इसको कहा जाए तो किसी दृष्टिकोण से कम नहीं है, और हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ना होकर उसकी हत्या हुई हो। अब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का कोई काम कर रहा है, आप ही न्यूज़ चैनल में हैं और आप एक बहुत प्रगति की ओर जा रहे हैं और आपके सारे प्रगति को ज़बरदस्ती रोक दिया जाए तो मन व्यथित होगा। और मैंने व्यथित होगा, आत्महत्या का भगवान ना करे अगर उस परिस्थिति में आप आत्महत्या करते हैं, या हमारी प्रगति अगर हम बढ़ रहे हैं, गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग को मैं पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और अगर हमको रोक दिया जाए और मैं आत्महत्या कर लूँ तो इसको आत्महत्या नहीं कह के इसको हत्या ही कहा जाएगा। और मैं मानता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ है, इससे कोई गुरेज नहीं कह सकता, कोई परहेज नहीं कह सकता, ये आत्महत्या हत्या से कम तो है ही नहीं। सर एक नेपोटिज्म का आ रहा है सर, जो कि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड पॉलिटिक्स या जो भी क्षेत्र है वहाँ पर ये हावी होते जा रहा है, क्या ये नेपोटिज्म जो है, क्या ये जो समाजवादी व्यवस्था है भारत में, क्या उसके लिए खतरा है या फिर से वो जो है योग्यता की ये है कि भाई जो योग्य रहेगा वो आगे निकलेगा। देखिए आदेश जी, मैं इतिहास का छात्र हूँ तो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद शुरू से होता रहा, लेकिन
वो भाई भतीजावाद, जिस भाई भतीजावाद से अगर किसी दूसरे का अहित न हो, जैसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने को स्वतंत्र है जिसे करने को इच्छा रखता है, बशर्ते कि उसकी इच्छा के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। तो अगर नेपोटिज्म ही है तो नेपोटिज्म में अगर किसी दूसरे का अहित नहीं होता है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर नेपोटिज्म के चक्कर में किसी का अहित करके नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो वह निश्चित रूप से एक दंडनीय अपराध है, और इस मामला में सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ही हुआ है। और यह उसकी आत्महत्या हो या हत्या, मैं तो कहूँगा कि वह नेपोटिज्म का शिकार हुआ है और उसकी हत्या हुई है, निसंदेह उसकी हत्या हुई है। और नेपोटिज्म का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि किसी की गर्दन पर चाकू चलाकर अपने अपने पैर को आगे बढ़ाया जाए, और किसी में दम दिखवा के बढ़ते, किसी की सांसद फिल्म को आप रोक दीजिएगा अपने प्रभाव से, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत के साथ यह गलत हुआ था, और सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ई लला समाप्त कर ली, बहुत बड़ा अफसोस है। अब तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के पश्चात लॉकडाउन में कुछ फिल्म भी देख लिया करता था, सुशांत सिंह राजपूत का भी बहुत सारा फिल्म मैंने देखा, लेकिन अब फिल्म देखने से हमको घृणा लगती है और लगता है कि बॉलीवुड में गंदगी का भरमार है और सुशांत सिंह राजपूत उसी गंदगी का शिकार हुआ है, और उसके साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो या जो भी हो, अगर उन लोगों ने किया है तो उन लोगों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए प्रदीप बिहारियों के द्वारा, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ना करे। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिनका कहना है, साफ कहना है कि नेपोटिज्म जो है अगर वो किसी का अहित नहीं करता है तो वो ठीक है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा नहीं हुआ है और उन पर एक मानसिक दबाव बनाया गया, उनके फिल्म जो है कैंसिल किए गए और ऐसी परिस्थितियां बना दी गई जिससे वो आत्महत्या कर लें, लेकिन फिर भी आत्महत्या के जो उनकी बात हो रही है उन पर सारे लोगों को संशय है कि उन्होंने आत्महत्या किया होगा, और ये आशा भी जाहिर की जा रही है, सूत्र बताते हैं कि ये एक तरह से हत्या ही है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।